Next is, no interference pattern is detected when two coherent sources are infinitely close to each other. इंटरफेरेंस पैटर्न जब भी बोला जाए ना आपसे, हमेशा बीटा के बारे में सोचिए, यानी कि फ्रिंज थिकनेस के बारे में. फ्रिंज थिकनेस बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय डी, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स. ओके, आप देख सकते हैं कि बीटा का इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है. सो इफ डी इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, बी बिकम्स इनफाइनाइट. यानी कि होगा क्या कि अगर आपका बहुत कम फासला रख दें, ये डी ऑलमोस्ट, ये जो डिस्टेंस है डी कहलाता है, बहुत छोटा है, तो ऐसे में बीटा इनफाइनाइट हो जाएगा. यानी कि फ्रिंज थिकनेस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, पूरी दीवारें फैल जाएगी, तो पैटर्न तो मिलेगा ही नहीं ना, पैटर्न नहीं मिलेगा. इसका कारण क्या है कि बीटा डी से इनवर्स प्रोपोर्शनल है. इन्फाइनाइट का मतलब एक अकेली फ्रिंज पूरी फैल जाएगी, तो वी वॉन्ट गेट फ्रिंजेस, डार्क ब्राइट ऐसे बैंड्स नहीं मिलेंगे हमें. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला वाला, नो इंटरफेरेंस पैटर्न, पैटर्न नहीं मिलेगा. पैटर्न कैसा होता है, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, वो नहीं मिलने वाला हमको. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. हेंस we see that if d is very small, the fringe thickness becomes almost infinite. And we do not get any pattern. Do not get. देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आप assertion region को analyze कर सकते हैं दिमाग में. इतना लिखना नहीं होता है, ये तो आप लोग क्लिक कर रहा हूँ. चलिए ये तो हो गया, thus assertion is true. ये तो हो गया. आगे reason देखते हैं. The fringe width is inversely प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. देखिए रीजन खुद ही हमने खुद ही एनालाइज करके निकाल लिया, यानी कि रीजन बिल्कुल सही है. रीजन भी यही बात कह रहा है. रीजन क्या बता रहा है, रीजन कह रहा है कि बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, यानी कि एक तो करेक्ट है, ऑल्सो एक्सप्लेन्स द असर्शन, दी असर्शन. तो लेट्स राइट डाउन कौन सा ऑप्शन है ये. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो इसका 1 आ जाएगा आंसर, 13th का 1 आ जाएगा.